तो हम लोग जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतर गए हैं और एक भाई साहब आ गए और यहाँ से सीधे चलेंगे हम लोग नई दिल्ली। हम लोग आ चुके हैं, यहाँ सामान उतार रहे हैं। पे आ चुकी है दीदी। आते ही बिंदी गायब कर दिया तुमने। एक रियान भैया से लड़ाई कर रहा है तू। सबसे दोस्ती हो रही है। खेल रहे दादी के साथ। तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और क्रियांश का यहाँ पे बेड लग चुका है। क्रियांश का भी मैंने पिल्लो लेके आया था। ये आराम से खेल रहा है सबके साथ, जो भी ट्रेन में है सबके साथ ये खेल रहा है। पूरा खेल रहा है एकदम। गोद में कम खुश होते हैं, खुल के तो ज्यादा। हाँ नहीं जाना, हाथ में लग जाएगा। सारे बच्चे ट्रेन क्रियांश। One hour later। तो अभी जिया का चल रहा है ये नाश्ता और हम लोग बैठ गए हैं और उधर क्रियांश जो है अपना खेल रहा है। उसको खेलने देते हैं, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जरा सा उसको थोड़ा सा टोक देंगे फिर कहेगा पापा घुमाने ले चलो। और इस ट्रेन में कैसे घुमाएंगे भगवान जाने। इसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, वहाँ तो पॉसिबल है कि थोड़ा घुमा भी ले। तो क्रियांश को तीथर दे दिया गया है, अपना तीथर के साथ क्रियांश खेल रहा है। और यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस का अपना नाश्ता है। पहले इससे ज्यादा क्वांटिटी मिला करता था, अच्छा लगता है 5-6 साल पहले। और अब क्वांटिटी घट गया है। ये सोन पापड़ी, ये झालमुड़ी भी अच्छा लगा था हमको। नमकीन चीज तो अच्छा लगता है, वो भी खा लेना। गुड़ चना हम खा लेंगे। तो उधर क्रियांश जी आंटी जी के पास चला गया है और वहाँ पर मजे में खेल रहा है अपना और बहुत मगन हो गया है। इसके हाथ में शायद कुछ मिल गया है डब्बा जैसा, तो उस डब्बे के साथ खेल रहा है। तो अभी ट्रेन रुकी हुई है जी बरौनी जंक्शन पर और हम आ गए हैं बाहर कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑमलेट मिल रहा है, तो हम अपने लिए ले रहे हैं ब्रेड लगा के ऑमलेट और जिया का जो है प्लेन ऑमलेट ले रहे हैं। चलिए जी हमने यहाँ ले लिया और सीधा चलते हैं हम ट्रेन के अंदर। तो अभी आ गए थे जी बाहर क्योंकि अंदर का जो मौसम जो है काफी ज्यादा ठंडा हो चुका था। तो भाई साहब से कहे थोड़ा सा जो है टेम्परेचर को नॉर्मल कर दीजिए क्योंकि बच्चा है अंदर, उसको कुछ दिनों पहले ही जुकाम हुआ था, इसलिए थोड़ा सा जो है नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत थी। और धन्यवाद भाई साहब का, भाई साहब ने कर दिया। और पीछे देख सकते हैं यहाँ सारा सब जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का है। अच्छा रहा जी, हम भी देख रहे हैं आखिर क्या है क्या नहीं है। जितने डिटेल से आज तक हम देखे नहीं थे, पहली बार इतने नजदीक से देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्रियांश जो है मेरे साथ गोद में है और हम जो है क्रियांश को संभाल रहे हैं। और अभी बज रहे होंगे रात के 12, तो कुछ हमारी जर्नी इस तरह से चल रही है। The next day। तो यहाँ मेरा बेटा उठ चुका है। गुड मॉर्निंग राधे राधे। पापा सोए हैं, तो पूरी रात जो है अच्छे से सोया, लेकिन सोने से पहले पूरा ड्रामा किया ना, सबकी गोदी में छोया जाके सबकी गोदी में। यहाँ देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, यहाँ पे हम सोए थे, बीटू यहाँ सोया हुआ था। अभी शिफ्टिंग हो चुकी है तो अब जो है जिया का जगह हम ले लिए। और क्रियांश सब भी अच्छा है कि फिलहाल व्यस्त है, व्यस्त ही है क्योंकि जैसे ही यह व्यस्तता खत्म होगी फिर कहेगा घुमाने के लिए। हाँ, तो हम लोगों को व्यस्त कर देगा। होय होय होय, ये देखिए कैसे सोए हैं ये लोग आराम से। पूछिया वही क्या होती। अब जी हमारी नींद हो गई है पूरी और हम उठ गए हैं और जिया भी उठ गई है और इंतजार कर रहे हैं नाश्ता के आने का क्योंकि अब मुझे भूख भी लग गई है काफी तेज। और क्रियांश जो है वहाँ चला गया है आंटी जी के पास, तो वहाँ खेल रहा है मजे में, पीछे देख सकते हैं। 20 minutes later। पतिदेव का नाश्ता चुका है मॉर्निंग में। और यहाँ जो कटलेट है हमको अच्छा भी बहुत लगता है। तो बनाते हैं पाव भाजी। पाव भाजी। 2 hours later। तो हम लोग अब जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं ये यमुना नदी। कितना सूखा सूखा सा लगता है ना नदी, ऐसा ही होता है। हम लोग इधर जाके नदी देखिए कैसा होता है। A few moments later। तो हम लोग जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतर गए हैं और एक भाई साहब आ गए, वो लेकर के जा रहे हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिलहाल हम लोग चल रहे हैं अजमेरी गेट के साइड, वहीं से हम लोग जो है ओला बुक करेंगे और यहाँ से सीधे चलेंगे हम लोग नई दिल्ली के। चलो चलो आराम से, कुछ कोई दिक्कत नहीं। इतना चढ़ी इतना चढ़ चुकी है फिर भी डर। बहुत लेट है, तो पहली बार चढ़ रहे हैं।
तो फाइनली जी हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी में और यहाँ से चल रहे हैं अब सीधा नैन्सी दीदी के घर। सबसे पहले तो ओला बुक किया था लेकिन एक भाई साहब ने जो है वहाँ जाने से मना कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा ही बुक कर रहे थे तो तब तक एक ये भाई साहब आए और इनकी गाड़ी लगी हुई थी स्विफ्ट डिजायर, तो इनसे ही बात हो गई। तो अब यहाँ से सीधा हम लोग चल रहे हैं। क्रियांश जो है अपने मजे में देख रहा है, क्रियांश उधर का नजारा ले रहा है अपना। तो मुश्किल से यहाँ से राइड होगी शायद एक घंटे के लगभग होगी, तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ। चला गया अपने पापा गोदी इधर, क्योंकि इधर धूप आ रहा था तो इधर से उधर वही उसका काम है। बिल्कुल, और बाहर एकदम नजारे का आनंद ले रहा है ये कुछ देर के लिए। हाँ। रहेगा उसी साइड। हम लोग आ चुके हैं यहाँ, सामान उतार रहे हैं। प्रियांश कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आज? दो एक बार पूरी रास्ते ये परेशान कर करके आए हैं। तो पति देव यहाँ सामान सारा निकाल रहे हैं। आज ये दीदी आते ही बिंदी गायब कर दिया तुमने, आधे ही बिंदी गायब कर दिया तुम। कैसा लग रहा है बता दो, देख रहा है सारा सामान कहाँ आ गया? पूरा ट्रेन में तो सबको अपना समझ रहा था, सबके साथ जा रहा था। तो हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पर और अभी हैं लिफ्ट में और यहाँ से सीधे चलना है। और क्रियांश को देख सकते हैं खुशी, पूरा खुश है। आया क्या 17? नहीं अच्छा, वही क्रियांश कुछ सामान ढूंढ रहा होगा उधर। वही क्रियांश अभी ये बिजी है पूरा। पहले अपने भैया के पास आया, ये आगे अपने भैया आए झूला पर और क्रियांश से वाकर पर भैया उठ जाइए भागते रहा तो देखिए इनको सुमिल तो देख रहा चाहे जत्ते बर घर हुआ बोलती है तू हमारे को तुमरी नाना दोनों एक के दे एक के खुश छे खत्म हो गया इसका यहाँ आके पति बोले भूख खत्म हो गया यहाँ दूधू नहीं पिया दूधू और देख रहा है गाय का दूध छिट रहा गाय का दूध तो खाली खाली पीता है गाय का पानी मिला था पानी मिला के पीता है तू घूम फिर के फिर आ गया यहीं पर भैया चाहिए मारेंगे भैया उठ के तो भैया को उठा देगा अभी कुछ खाने का चीज है भैया के पैर में लेकिन ये ना दूसरे और ठीक से रह तो यहाँ पे आते ही पति देव अपने काम पे लग चुके हैं और दीदी हम गॉसिप कर रहे हैं गप किस्सा चल रहा है। और इधर मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, एक बार तो मेरा चाय ऐसे जल गया और फिर से बना रहे हैं। दीदी सबको घेरने में लगी है लड़ाई कर रहा है भैया, एक क्रियांश भैया से लड़ाई कर रहा है तुम छोड़ दीजिए ना क्रियांश लड़ाई कर रहा है तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया।